हाय फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है विकास अरोड़ा और मेरे पास आईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर मैं टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड हो गया या स्पीकर्स हो गए, उन सबके रिव्यू करता रहता हूँ। बट मेरे पास जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो आईटी से रिलेटेड भी है, जैसे विंडोज़ के एनवायरनमेंट का हो गया, सिस्को से रिलेटेड हो गया। और रहा सवाल, अब मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप बिगनर हैं और या सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत अनिवार्य है। देखो, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप जॉब पर रहते हैं और हर कोई नॉलेज शेयर नहीं करता। आम मामूली बात है, हर कोई नहीं चाहता कि भाई वो नॉलेज भी आमतौर पे उतनी शेयर करते हैं कि बस काम से रिलेटेड काम हो जाए ऑफिस का और ज़्यादा कोई बताने की कोशिश नहीं करता। बट मेरी कोशिश रहेगी बिगिनिंग से लेके एंड तक जितना हो पाए मैं उतनी नॉलेज देने की मैं प्रयास करूँगा। हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखो हिंदी में, देखो आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ हिंदी आपको आती होगी। आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, थोड़ा बहुत लोग हिंदी भी समझते हैं, नेपाल में भी हिंदी समझते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदी समझते हैं। तो फिलहाल मेरा जो पर्पस है अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक अच्छी सी नॉलेजेबल वीडियो बनाना। तो फिलहाल अब मैं बनाएंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अगर आपको सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है तो आपको कुछ नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज 10 की बात कर रहे हैं तो आपको विंडोज 10 अच्छी तरह आना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स सारे आने चाहिए, सर्विसेज से रिलेटेड जो विंडोज की सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज डॉट एमएससी, एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए। नंबर वन, सिस्को की अगर हम बात करें, अब सिस्को के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, राउटिंग स्विचिंग, तो आपको राउटिंग स्विचिंग की भी नॉलेज होनी आवश्यक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी आप शुरुआत है तो थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा और आई होप यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो। और साथ ही साथ जैसे लिनक्स का प्लेटफॉर्म है तो लिनक्स की भी नॉलेज है, मतलब कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है वो आपको आना चाहिए। इवन डॉस तक की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। हमें क्या करना है, देखो बींग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, देखो मैं अभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल बट आई वॉन्ट टू गिव यू गुड नॉलेज जो एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमें जो आपके एग्जांपल ले लीजिए, हैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए हम, और कोई ऐसा आइडेंटिटी, मतलब हमें पता होना चाहिए, हमें एक कदम आगे होना चाहिए कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जो डेटा है हमारा या किसी का भी, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वो सिक्योर रहना चाहिए, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो नॉलेज देने की मैं कोशिश करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो पहला वर्ड आ गया सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी से क्या समझते हैं? देखो अगर बींग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डेंजर या डैमेज या लॉस, क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हैम्पर कर सके, डैमेज कर सके, लॉस कर सके, तो उसका बचाव, ठीक है, सिक्योरिटी का टर्म यह समझ आया आपको? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सिक्योरिटी ये समझ आया होगा कि एक ऐसा टर्म समझ लीजिए, एक ऐसी प्रोटेक्शन समझ लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो सिक्योर रहे और सेफ रहे, अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। तो एक जस्ट लाइक अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए। और अब दूसरी बात हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अब इससे मतलब क्या है कि ऐसा डेटा जो अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस ना मिल पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास इम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल कहाँ के लिए रहना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेटा जो बना है कंपनी के एचआर से रिलेटेड, तो एचआर ही इसको यूज़ कर पाए, दूसरा पर्सन कोई इसको यूज ना कर पाए। तो समझ रहे हो, एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, तो आपका जो डेटा है वो अनइंटेंडेड पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब जो ऑथराइज पर्सन है वही उसको एक्सेस कर पाए और अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी काम कर रहा है, आईटी मैनेजमेंट भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, ठीक है, और
साथ साथ आपके यहाँ पे सेल्स टीम भी है। अब देखो आईटी वाला तो उसको भाई सिक्योर करेगा ही, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो उसके पास डेटा होना चाहिए। और अब सेल्स टीम को क्या मतलब, ठीक है। तो वो डेटा जिसको ऑथराइज नहीं है वो एक्सेस ना कर पाए, जिसको ऑथराइजेशन है वही उसको एक्सेस कर पाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से आपको समझ आया। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं? देखो इंटीग्रिटी के बारे में मैं बताना चाहूँ, देखो कुछ भी ऐसा डेटा जो जिसको हम टेम्पर ना कर पाएँ, मॉडिफाई ना कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके यहाँ पे सेल्स टीम बैठी है, ठीक है। अब सेल्स टीम ने काफ़ी लोगों को कॉल भी करी होंगी, जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा, ठीक है। अब वो जैसे उसका एग्जाम्पल डेटा हो गया, नेम हो गया, क्या उसको परचेज करना है, ठीक है। अब उसके जो डेटा है वो उसमें अल्टरेशन ना हो, समझ रहे हो, अल्टरेशन कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ आपका जो डेटा है एक तो वो मॉडिफाई ना हो और टेम्पर्ड ना हो, ठीक है, कोई चेंजेस ना हो। तो एक तो बेसिक संज्ञान देने की कोशिश करी। अब अगले हम टर्म की बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि आपके टीम मेंबर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझ कर हम बैकएंड में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बैकएंड वालों को अगर हम डेटा पर एक्सेल पे एंट्री करते हैं, ठीक है, वो भाई जो उनकी ड्यूटी हुई 9 से 5 या 9 से 4 जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है, अगर वो डेटा एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स मीन डेटा शुड बी अवेलेबल फॉर दोज पर्सन हु वांट ऑन टाइम, जब उनको अपने समय के अनुसार या उसको सामान चाहिए हो या एक्सेस करना हो, एक्सेल शीट एक्सेस करना हो या फिर डेटा एलोकेशन करते हैं तो वो अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स मीन अप रहना चाहिए, चाहे नेटवर्क का लिंक कह लो या कुछ भी कह लो, तो दैट शुड बी अवेलेबल। और एक टर्म होती है नॉन रेप्यूडिएशन। और नॉन रेप्यूडिएशन से आप क्या समझते हैं, आप बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखिए। तो देखो मेन क्या था, नॉन रेप्यूडेशन प्रोवाइड दी वैलिडेशन ऑफ अ मैसेज ओरिजिन। मतलब जैसे कि हमें कोई डेटा मिला, कोई डिनाई ना कर पाए कि भाई मैंने तो भेजा ही नहीं, समझ रहे हो। तो नॉन रेप्यूडेशन का मतलब ये है कि एक ऑथेंटिकेट करता है कि भाई यहाँ से हमें ओरिजिन से मैसेज आया, समझ रहे हो। तो एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम अगले टर्म की, असेट की। अब असेट से क्या समझते हैं? देखो कुछ भी ऐसा, अब असेट जरूरी नहीं है आपका फिजिकल हो, नॉन फिजिकल भी हो सकता है। जैसे सॉफ्ट डेटा हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो चाहे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बींग अ आईटी पर्सन भी ले लो, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, अब उसके लिए असेट क्या हुआ, जैसे कि सपोज करो किसी का इंटरव्यू लिया, उसका जो डेटा है वो सेव करके रखा, वो भी एक असेट है। फिजिकल असेट तो चलो अलग चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो उसके लिए अनिवार्य हो, जो उसके लिए वैल्यू रखता हो, वो एसेट कहलाता है। डेटा तक भी एसेट है, ठीक है। और अगर हम बात करें थ्रेट से, अब अगली टर्म आती है थ्रेट की, तो जो आपको पता होना चाहिए थ्रेट क्या है। थ्रेट तो बिल्कुल कॉमन सा है, कुछ भी ऐसा इंस्टांस जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लॉस हो सके, ठीक है, कुछ भी ऐसा, कुछ पोटेंशियल जो आपके एसेट से रिलेटेड। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आपकी सेल्स टीम है, सेल्स टीम ने उस उसको इन कॉल साइन, ठीक है, डेटा फिल किया उन्होंने, ठीक है, कि उसके अंदर भाई क्या पर्सन ने पूछा, क्या लेना है, तो वो अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वो भी एक तरह का थ्रेट है। थ्रेट कुछ भी ऐसा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सके, लॉस प्रो कर सके, और कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी या डेंजर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो कुछ भी थ्रेट हो सकता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी से क्या समझते हैं? वल्नरेबिलिटी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे इम्प्लॉयज़ भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लॉयज़ के अधिकार में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अधिकार शक्ति, मतलब जैसे ऑफिस में आप आ रहे हो तो भाई पहली बात है, एक तो पेन ड्राइव नहीं ला सकता डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, नॉर्मल सेल्स पर्सन है, ठीक है। और अब वीकनेस की अगर हम बात करें, जैसे मैं आईटी में काम कर रहा हमने, ठीक है, और हम सेल्स टीम बैठी हुई है, कोई बैकएंड की टीम बैठी हुई है, भाई वो अपना काम करे, अपने सर्वर में सेव करें और घर जाते हो नॉर्मल जाएं। अब आपने आजकल देखा होगा जो लैपटॉप आते हैं, आमतौर पे आजकल सीडी ड्राइव नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही?
भाई पहली बात है कि डेटा वहाँ से कोई कॉपी ना कर सके, राइट ना कर सके। इसी तरह जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे यूएसबी का डेटा इनेबल है, आई मीन टू से कोई कॉपी करके ले जा सके, तो वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है, वो तो वल्नरेबिलिटी है। तो आमतौर पे जो आईटी टीम होती है वो यूएसबी पोर्ट को भी ब्लॉक करती है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी टीम का भी काम हो गया, आईटी टीम का भी काम हो गया, मोस्ट प्रोबली सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो कुछ अधिकार क्षेत्र तो सिक्योरिटी टीम को भी दिए जाते हैं कि जो पोर्ट को ब्लॉक कैसे करना। अब ये किसका काम है, विंडोज से रिलेटेड है, सर्वर से रिलेटेड है, तो आपको तभी मैं कह रहा हूँ आपको हर चीज़ की एक नॉलेज होनी चाहिए। अब एक्सप्लोइटेशन एक टर्म है, आप बताइए आप एक्सप्लोइटेशन से क्या समझते हैं, एक्सप्लोइट से क्या समझते हैं आप? कुछ ऐसा प्रोसीजर जैसे, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि भी लैपटॉप में बंदे ने पेन ड्राइव लगाई और उसकी एक्सेस कर गई। अब पहला कंसर्न क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, भाई वीकनेस, सिस्टम का वीकनेस हुआ ना, कि तभी तो उसने पेन ड्राइव लगाई और ड्राइव बन गई और उसने डेटा कॉपी किया और चलता बना। तो ये भाई एक्सप्लोइट का एग्जाम्पल है कि आपके सिस्टम में वीकनेस है, थ्रेट हुई, डेटा कॉपी किया, चोरी किया, चलते बने, या फिर पेन ड्राइव इंसर्ट करके कोई सॉफ्टवेयर रन कर दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर रन कर दिया जो पूरे नेटवर्क में फैल गया, जो भी उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मैंने आपको टर्म्स बताने की कोशिश करी सिक्योरिटी से रिलेटेड। वीडियो तो हमारी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत आपको नॉलेज देने की, उससे आपको कुछ हेल्प मिल पाए। तो अगर आपको फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। देखो मैं बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। तो फिलहाल अभी मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको मैंने टर्म्स रिलेटेड सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, नॉन रेपुटेशन, एसेट, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट, इससे टर्म्स से रिलेटेड मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश करी। आई होप यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो। और रहा सवाल, अगर हम बात करें एक टर्म और भी होती है, उसे कहते हैं थ्रेट एजेंट। अब थ्रेट एजेंट से आप क्या समझते हैं? देखो ऐसा कोई भी अभिव्यक्ति या व्यक्ति जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट का कार्य करे, जैसे आप फॉर एग्जांपल, अब थ्रेट एजेंट में अगर हम बात करें, इंटरनल एम्प्लॉय है, अब भाई वो काम कर रहा है, ठीक है, और गलती से उसे डेटा डिलीट हो गया, तो वो भी एक थ्रेट एजेंट है। आपको पता होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज देनी चाहिए काम के प्रति। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको नॉलेज है या नहीं है, उसकी आईटी से एग्जांपल ले रहा हूँ, आईटी से रिलेटेड पूरी नॉलेज है या नहीं, नहीं है तो उसकी वीकनेस पे उस पर काम करना, उसकी हेल्प करना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कार्य होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसने बड़े लेवल की है उससे रिलेटेड है। तो थ्रेट एजेंट का मतलब ये हुआ कि ये दी पर्सन और एंटाइटी दैट अटेम्प्ट और कैरीज आउट अ थ्रेट। तो कोई भी ऐसा अभिव्यक्ति जो कि आप जाने अनजाने में, मोस्ट प्रोबली क्या है कि आप जैसे गलती से डेटा डिलीट हुआ आप किसी काम करते करते, तो वो भी एक थ्रेट एजेंट का ही काम करना है, इंटरनल एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो अब थ्रेट एजेंट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल मैंने मेरी जो कोशिश हुई थोड़ी सी टर्म्स बताने की सिक्योरिटी प्रोफेशनल से रिलेटेड, तो आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और अपना हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और कोशिश करूंगा थोड़ी सी बहुत नॉलेज वाली वीडियोज़ आपको देने के लिए, बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज मिल पाए। आई होप यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।